आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव, जिसमें ये 400 ग्राम ये मटर है। इसको मैंने पहले से छील ली हूँ और इसको अच्छे से धो ली हूँ 2-3 पानी से। और इधर इसमें ऐड करने के लिए ये लॉन्ग राइस है, ये 1.25 किलो राइस है। इसको मैंने धो के छान ली हूँ, छन्नी में इस तरह से धो लेना है और ऐसा सूख जाना चाहिए चावल। और इसमें ऐड करने के लिए बघार के लिए इधर एक कांधा है कटा हुआ बारीक बारीक, और ये 3 सूखी मिर्ची है बघार के लिए, 5 लौंग है, इतना ये दालचीनी है, 2 छोटी इलायची है, और 2 ये तेजपत्ता है, और 5 ये ऐसा इस तरह से काट लेना है हरी मिर्ची बघार के लिए। और इधर ये 1 चम्मच बड़ा चम्मच भर के नमक है इसमें ऐड करने के लिए, और 25 ये काली मिर्च है, ये सब इसमें ऐड होगा। मैंने पानी चढ़ा दी गर्म होने के लिए, ये 1.25 लीटर पानी है, पानी गर्म करके ऐड करना है, खाना अच्छा बनता है इसमें। और पानी गर्म हो गया, हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो गर्म हो गया है मटर पुलाव के लिए। अब इसमें हम इतना 50 ग्राम कम से कम ये घी है, घी ऐड करेंगे। दो चम्मच तेल ऐड करेंगे, दोनों मिक्स करके बनाएंगे। आप चाहे तो खाली घी में भी बना सकते हैं और तेल में भी बना सकते हैं। और इसको अच्छा गर्म होने देना है। गर्म हो गया, इसमें हम इतना ये जीरा है, जीरा पहले साफ कर लीजिएगा, उसके बाद में ऐड करना है। उसके बाद में कांदा ऐड कर देंगे। थोड़ा सा भून लेंगे आधे मिनट के लिए। इसके बाद में इधर मेरे पास ये सभी मसाला है, इसे मसाला इसमें ऐड कर देंगे। तो गरम कलर का भुनना है, इसमें हल्दी उल्दी कोई मसाला नहीं जाएगा। अब इधर मेरे पास में ये नमक है और ये काली मिर्च है, ये भी ऐड कर देंगे। ये देखिए भून के हो गया। अब इसमें हम ये मटर है, सबसे पहले मटर ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए भूनेंगे मटर, चूल्हा खास रखेंगे। अब ये देखिए मटर भून के हो गया। आज की रेसिपी है मटर पुलाव, इसमें कोई भाजी सब्जी ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ मटर पुलाव में मटर ही ऐड होगा बस, और चावल। इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे चावल को। अब इधर देखिए आधा कप ये दूध है, और इसमें हम इसमें ऐड करने के लिए कलर तैयार करेंगे। ये पीला कलर है, सबसे पहले पीला कलर ऐड करना है, इतना पीला कलर लेना है पक्का कलर बनाने के लिए। और इधर ये ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर लेंगे, इतना दोनों मिक्स करके बनाएंगे। दोनों मिक्स करके बनाने से अच्छा कलर बनता है। ये देखिए कलर तैयार हो गया, इस तरह से कलर तैयार कर लेना है। ये देखिए चावल भून के हो गया, इस तरह से चावल भून लीजिएगा। और चावल भून लेने से क्या है, खाना अच्छा बनता है, टेस्टी लगता है खाने में। और इधर मेरे पास गर्म पानी है, इसमें हम गर्म पानी ऐड कर देंगे। हम इसको अभी चूल्हा फास रखेंगे और 10 मिनट के लिए ढक्कन डाल के छोड़ देंगे। अभी वटाने का सीजन भी है,
ये वटाना सातारा में होता है, एक सातारा गांव है वहां से माल आता है। इसमें एंड में डालेंगे इसको। ये देखिए इतना बनके तैयार हो गया। इसको हम 5 मिनट के लिए और ढक्कन डाल के छोड़ देंगे। 5 मिनट में परफेक्ट बन जाएगा ये। अब ये देखिए मटर पुलाव बनके हो गया तैयार। माशाल्लाह खुशबू अच्छी आ रही है। अब इधर मेरे पास ये कलर है, कलर ऐड कर देंगे। ये कलर है, कलर हम ऐड कर देंगे। और आधे मिनट के लिए ढक्कन डाल के छोड़ देंगे चूल्हा बारीक करके। अब ये देखिए मटर पुलाव बनके हो गया तैयार। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और सजा लेंगे। अब ये देखिए मटर पुलाव बनके हो गए तैयार। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए बच्चों के साथ। थोड़ा सा सजा लेंगे, पुदीना है, पुदीना भी है, धनिया भी है सजाने के लिए। और आज के खाने में है, आज के खाने में आज मैंने आलू पूरी बनाई थी वो है, और ये चिकन का सालन है, मौसम्मी है फल में, और ये पेरू कटा हुआ है, और ये मैं गुलाब जामुन के सेप में मैं बालूशाही बनाई थी घर के लिए खाने के लिए, ये सब है। देखिए अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।